करती बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य जारी है, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं की कमी है। सैट सिस्टम के कारण मूल्यांकन की गति भी धीमी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 20 दिनों में मूल्यांकन कार्य कैसे पूर्ण हो पाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य MLB स्कूल में चल रहा है। 500 शिक्षकों की ड्यूटी मूल्यांकन कार्य में लगाई गई है, लेकिन अब तक सिर्फ 120 मूल्यांकनकर्ता ही उपस्थित हो रहे हैं। इस वर्ष पेपर अलग अलग सेट में बांटे गए थे, लिहाजा सेट सिस्टम के कारण भी मूल्यांकन कार्य में परेशानी हो रही है। अभी ऐसी कितनी की जरूरत है अपने टीचरों की अगर देखा जाए? टीचरों की तो बहुत आवश्यकता है। 500 की लिस्ट निकली है, उसमें से 100 भी आ रहे हैं, 100 100 100 आ रहे हैं। कब तक का लक्ष्य है इसको? 20 दिन में पूरा करना रहता है कि द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा सिस्टम के कारण। और कॉपी जांचने वालों को भी दिक्कत हो रही है, पहले एक ही जैसा सेट रहता था, वो जल्दी कर देते थे। अब वो एक कॉपी ए सेट की है तो दूसरी बी की है, तीसरी सी की है, फिर डी की है, वो नंबर भरने में इसलिए भी गति नहीं आ पा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 20 दिनों में मूल्यांकन कार्य कैसे पूर्ण हो पाएगा। फ्लाईओवर के नीचे बनाई जा रही पुलियों के निर्माण का कार्य बदहाली का शिकार है। क्षेत्र की नालियां चोक हो गई हैं और घरों के सामने पानी भर रहा है। लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। दमोह नाका से मदन महल तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर के नीचे बन रही सड़क और नालियों का काम धीमी गति का शिकार है। नालियों पर बनाई जा रही पुलियों का कार्य बेढंगे तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के सामने और दुकानों के सामने पानी भर रहा है। फ्लाईओवर निर्माण होने से ये नालियां चोक हो चुकी हैं। इन नालियां चोक होने से क्या हो रहा है, घरों में पानी घुस रहा है और शिकायत करने पर अभी उसका निराकरण नहीं मिल रहा है। काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो नालियाँ चोक हो रही उसको भी क्लियर करते चले, जिससे आम जनता को, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, हम लोगों के आसपास के घरों में पानी अंदर ना जाए, बस हमारा इतना ही निवेदन है। ये काफ़ी दिनों से समस्या को, जब से ये पुल का काम चालू हुआ चल रहा है, कभी रोड का कभी नाली का, ये उलझनें पैदा हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार कंपनी को निर्देश दिए हैं कि बारिश के पहले सड़क बनाने का कार्य पूर्ण किया जाए। कुल 12 किलोमीटर का कार्य होना है, जिसमें अभी 5 किलोमीटर का कार्य ही पूर्ण हो पाया है, करीब 7 किलोमीटर का कार्य बाकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर उद्यान में मोदी सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाकर मनमानी करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का तक दुरुपयोग किया जा रहा है। ये नजारा किसी धार्मिक अनुष्ठान का नहीं है, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार के लिए किए जा रहे सद्बुद्धि यज्ञ का है। सिविक सेंटर में भाजपा सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सिर्फ इसलिए समाप्त कर दी गई क्योंकि वे सच बोल रहे हैं। राहुल द्वारा अडानी अंबानी के कार्यों पर सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हमने जो कृत्य राहुल गांधी जी के साथ किया है, इसके लिए उनको यहाँ पर सत्याग्रह के साथ हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं और हवन पूजन में यही आपसे प्रभु प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और इनको सत्ता से मुक्ति दे। कि हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारा मजदूर परेशान है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, हमारी माताएं बहनें बड़ी हुई महंगाई से त्रस्त हैं, उनके घर के चूल्हे चलाने में दिक्कत हो रही है, हमारे छोटे छोटे से व्यापारी GST गब्बर सिंह टैक्स जिसको राहुल जी ने नाम दिया था, उससे हैरान और परेशान, उनके व्यापार नहीं चल रहे हैं। जब इस देश का हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, तो ऐसा कौन सा जादू का चिराग इस सरकार के पास है कि अडानी जी विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए। और जब एक स्वतंत्र एजेंसी ने, जो विश्व की विख्यात एजेंसी है, एक रिपोर्ट पेश की आर्थिक मामलों से संबंधित कि किस प्रकार से अडानी जी को गलत तरीके से, उनकी कंपनियों को गलत तरीके से मदद की गई, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किस गलत ढंग से उनको
लोन दिया, किस प्रकार से एलआईसी जैसी संस्था जिसमें हमारे हजारों करोड़ निवेशकों का पैसा लगता है उसके पैसे से उनके शेयर खरीदे गए जिससे उनके शेयर के दाम और बढ़ जाएं, इन बातों को जब संसद में उठाया तो कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, और उस पर भी बस नहीं चला तो बिना मौका दिए संसद की सदस्यता रद्द कर दी। आप उनको संसद से क्षणिक रूप से बाहर कर सकते हैं पर देश की जनता के दिलों से उनको बाहर नहीं निकाल सकते। सद्बुद्धि यज्ञ भी हम लोगों ने महिला शक्तियों के नेतृत्व में यहाँ पर किया है। प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और लोकतंत्र को तहस नहस ये ना करें ऐसी उनकी बुद्धि बने, अन्यथा प्रभु इनको सत्ता से अलग करे और कांग्रेस पार्टी को इस देश में, इस प्रदेश में सेवा का अवसर दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रताड़ित होकर भी सच बोलते रहेंगे। पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह किए जाएंगे। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का तबादला रतलाम कर दिया गया है और जबलपुर एसपी कमान तुषार कांत विद्यार्थी को सौंपी गई है। जबलपुर के नए एसपी तुषार कांत विद्यार्थी सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। रविवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया। सिद्धार्थ बहुगुणा की कोरोना संक्रमण काल के समय बतौर एसपी जबलपुर में पदस्थापना हुई थी। इस संक्रमण काल में उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से लॉकडाउन में अहम भूमिका अदा की। इसके साथ ही शहर में घटित हुई कई गंभीर और सनसनीखेज अपराधों का खुलासा करते हुए अपराधियों को सीखचों के पीछे भेज दिया। उनके कार्यकाल में भू माफियाओं, गुंडों, बदमाशों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई भी की गई। कोरोना काल में मैंने ज्वाइन किया था और उसमें पीक टाइम पे कोरोना था तो उस टाइम पे सबसे पहला चैलेंज था अपने फोर्स को ही सुरक्षित रखना। तो क्योंकि जब फोर्स सुरक्षित रहेगा तभी हम आगे ड्यूटी कर पाएंगे, तो वो निश्चय ही मुझे अपने अधीनस्थों से बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से इन्फोर्स कराया और खुद की भी सुरक्षा की। तत्पश्चात एंटी माफिया जो अभियान था उसमें काफ़ी सहयोग मुझे अधीनस्थों से मिला, जिसमें एक कजिन सुनकर का जो कार्रवाई थी जिसमें कि कार्बाइन भी मिली, उसमें काफ़ी कारतूस भी मिले और करीबन 7 से 7.5 लाख का जुआ भी जो बहुत पहले से जो उनका चलता था उस पर हमने नकेल कसी। फिर एक बड़े भू माफिया एवं जो हिस्ट्री शीटर भी हैं थाना मुक्ति के अब्दुल रजाक, उनके विरुद्ध भी जो कार्रवाई थी उसमें भी काफ़ी सहयोग मेरे को अपने अधीनस्थों का मिला। और उस तत्पश्चात जो भी मेजर क्राइम हुआ, चाहे वो गोरा बाजार की बड़ी घटना थी, चाहे वो लॉर्डगंज की बड़ी नकबजनी थी, चाहे वो थाना तिलवारा का मेकला रिजॉर्ट का वो एक हत्याकांड था, सभी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ थी। त्यौहार जितने भी थे बहुत अच्छे से सभी गणमान्य नागरिकों से अच्छा सामंजस्य बिठाकर संवाद करके बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत अच्छी यादें यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। पवित्र माह रमजान के मुबारक मौके पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चहल पहल बढ़ गई है। मुस्लिम जन रोजे रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। ऐसे में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में रमजान मुबारक के तीसरे रोजे के मौके पर अशरफ नगर मंडी मदार टेकरी में सामूहिक रोजा अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पवित्र माह रमजान की रौनक बढ़ गई है। मुस्लिम जन रोजे रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। संस्कारधानी में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार के अहतमाम का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में रविवार को तीसरे रमजान के मुबारक मौके पर मंडी मदार टेकरी अशरफ नगर में विशाल सामूहिक रोजा अफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की और सामूहिक रोजा अफ्तार किया। हुजूर सूफी सैयद हजरत अख्तर हुसैन गुल अशरफ अशरफुल जिलानी सिमनानी कछौछवी ने एक इस तारीख को यादगार बनाने के लिए एक अजीम शान रोज़ा अफ्तार का अहतमाम की शुरुआत की थी। आज उन्हीं 3 रमज़ान तारीखों में उनकी रविशों पे कायम होकर हमारी गौसे कछौछा एकेडमी और उनके तमाम मेम्बरानों ने एक अजीम शान अफ्तार का अहतमाम किया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों की शिरकत थी। लोगों ने देश के लिए, प्रदेश के लिए दुआएँ शांति की और आने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया।
सामूहिक रोजा अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई और अल्लाह से मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआएं खैर की गई। गढ़ा त्रिपुरी चौक पर स्थित शराब दुकान के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने दुकान को बंद करा दिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि शराब दुकान की वजह से नवरात्र पर्व पर महिला श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की, साथ ही दुकान को बंद करा दिया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान SDM के नाम ज्ञापन सौंपा और शराब दुकान को त्रिपुरी चौक से कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस दौरान कहा कि नवरात्र पर्व पर त्रिपुरी चौक स्थित शराब दुकान के कारण महिला श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। शासन प्रशासन से पूर्व में भी दुकान को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस क्षेत्र की शराब दुकान को लेकर निरंतर हमारे पास शिकायतें आ रही थी। जब ये दुकान प्रारंभ हो रही थी तब भी सामाजिक लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब क्षेत्रीय लोगों के लिए यह शराब दुकान नासूर बन चुकी है। हमारी माताएं बहनें बसें और ऑटो का इंतजार करती हैं और उनके साथ यहाँ छेड़खानी होती है। और क्योंकि अब नवरात्रि के इस पावन पर्व में हमारे बाजू में माता जी स्थापना होती है, मंदिर भी है शंकर जी का, और हमारा राम जन्मोत्सव की स्थापना भी यहाँ पे होनी है, तो ये छेड़खानी के विषय को लेके आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए कि ये शराब की दुकान यहाँ बंद होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र चरीताल खेरमाई मंदिर के पास रहने वाले एक दंपत्ति मिलकर नशे के इंजेक्शनों को बेचने का अवैध कारोबार कर रहे थे। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और महिला को 40 नग नशीले इंजेक्शनों और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन महिला का पति पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र खेरमाई मंदिर चरीताल के पास बीती रात कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर प्रिया झारिया नामक एक महिला को नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। प्रिया से 40 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और नकदी 1200 रुपए जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान प्रिया का पति संतोष झारिया उर्फ डॉन मौके का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देते हुए भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पुलिस की रेड होते ही आरोपी संतोष झारिया और डॉन इंजेक्शन का एक पैकेट लेकर भागने में सफल हुआ। काफ़ी उसके घर के पीछे काफ़ी संकीर्ण रास्ते और कीचड़नुमा स्थान बना हुआ है, वहां से भागने में उसको सफल रहा वो। और आरोपिया प्रिया झारिया इसको 40 नग इंजेक्शन 1200 रुपये नगद और एम्पुल के साथ में पकड़ा गया, जब्ती की कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक पति पत्नी दोनों मिलकर नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करते थे। पुलिस अब महिला के फरार पति की तलाश कर रही है। शहपुरा के ग्राम नटवारा में 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता के गांव और घर के समीप का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस मामले का खुलासा किया और बताया कि सोमवार को पुलिस आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। शहपुरा के नटवारा गांव में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मासूम बालिका से दरिंदगी करने वाले आरोपी हल्कू गौड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में वारदात करना कबूल किया। SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी हल्कू गौड़ पीड़िता के गांव के साथ साथ उसके घर से कुछ दूरी पर रहता है। वारदात के दिन वो शराब के नशे में चिकन पकाने के लिए पीड़िता के घर पहुंचा था और फिर बालिका को घर से उठाकर 200 मीटर दूर खेत में ले गया और उसे दरिंदगी का शिकार बनाया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों और पुलिस अधिकारियों की विवेचना से आरोपी हल्कू गौड़ की पतासाजी और गिरफ्तारी की जा सकी। कुल मिलाकर के अभी तक की पूछताछ में ये चीज क्लियर हुई है कि ये अपने साथ शराब पीकर के कच्चा जो चिकन था वो इनके पास था,
तो उसको पकाने के लिए ये विक्टिम के घर गए थे, लेकिन चूंकि वो शराब के नशे में थे, शराब के नशे में इनके द्वारा ये दुष्कृत किया गया आए। कुल मिला के इन्होंने ये पुलिस को ये गुमराह करने की कोशिश की कि घटना दिनांक और समय को ये वहाँ थे ही नहीं, जबकि अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ आई। इस कारण से संदेह हुआ और फिर इनको सख्ती से इनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने फिर अपना जुर्म कबूला। सीसीटीवी फुटेज भी एक ग्राम नटवारा का मिला था जिसमें कि इनकी कद काठी जो है वो काफ़ी कुछ हमको आइडेंटिफाई हुई थी। दूसरा, घटनास्थल से चप्पल भी मिले थे जो कि इनके द्वारा स्वीकारा गया कि इनके, और उन पर फिट भी हो रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो साग छुपाने के लिहाज से इन्होंने अपने कपड़े भी जलाए थे, उस चीज़ की भी पुष्टि हुई है। सीन ऑफ क्राइम का पूरा और पूरे क्राइम का पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ है। पुलिस सोमवार को आरोपी हल्कू गौड़ को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।